मतगणना के बारे में जिसके लिए आज आपसे चर्चा के लिए हम लोग आए हैं और ये बात कर रहे हैं, मतगणना 3 तारीख को है, ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। मतगणना के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वहाँ पहुँच गए हैं, उनकी देख रेख में ये मतगणना 3 तारीख को होगी। स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं, सभी स्ट्रांग रूम पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। मैंने खुद लगभग 10 जिलों का दौरा करके इसको देखा है, कहीं पे BSF है, कहीं पे ITBP है, कहीं पे CRPF है, कहीं CISF है, तो स्ट्रांग रूम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के अंतर्गत हैं। राउंड द क्लॉक सभी जगहों पे बाहर में स्ट्रांग रूम के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है और वहाँ पे उस स्क्रीन पे CCTV कैमरे के माध्यम से लाइव फीड उनको मिल रहा है, वो लोग देख पा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी वहाँ बैठे हुए हैं, मैंने जहाँ जहाँ गया उनसे भी चर्चा की और सभी लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहे मतगणना के दिन, इसके लिए बिजली विभाग को, ऊर्जा विभाग को बताया गया है, उनको लेख किया गया है और अभी भी विद्युत आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं रहेंगी। जनरेटर की व्यवस्था है और अभी जो CCTV वगैरह है उसके लिए भी इन्वर्टर या और UPS के माध्यम से उस पर कार्रवाई वो जारी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कल बैठक की गई, हमने भी कल सभी हम लोगों ने कलेक्टर्स और SPs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग 2 घंटे तक जिलेवार समीक्षा की गई, सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर के भी और काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था को लेकर के भी। जैसा मैंने आपको बताया कि 3-tier सिक्योरिटी अभी भी है और काउंटिंग के दिन भी रहेगी, सिर्फ पासधारी जिनके पास पास होगा वही लोग अंदर जा पाएंगे और जिनके पास अधिकृत पास है नहीं है उनका प्रवेश वर्जित होगा। हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। किसी भी एक हॉल में 2 विधानसभा की गणना नहीं होगी। 9 सामान्यतया 14 टेबल लगाए जाते हैं एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज़्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखना दौन है जहाँ सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे 407 मतदान केंद्र हैं, तो यदि 14 टेबल सामान्य प्रक्रिया के तहत 14 टेबल से आप काउंटिंग करते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है, तो वहाँ हम लोग 21 टेबल लगाएंगे। तो इस तरह से कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पे 21 टेबल, कहीं पे 18, कहीं 16, कहीं 20, इसके माध्यम से कर रहे हैं और अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि काउंटिंग निर्बाध चली, कोई व्यवधान नहीं आया, तो मेरा जो अनुमान है उसमें पहले करीब 5.5 घंटे मान लीजिए, पहले 5 घंटे से लेकर के अंतिम में आप 10 घंटे मान लीजिए, तो 5 से 10 घंटे के बीच में पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। 5 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ, ये सबसे पहले जैसे दतिया में भांडेर है, तो भांडेर में 229 मतदान केंद्र है, 229 मतदान केंद्रों के लिए वहाँ हम 18 टेबल लगा रहे हैं, तो 18 टेबल यदि लगा रहे हैं तो जो काउंटिंग का जो राउंड होता है वो 13 राउंड में वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तो 13 राउंड में अगर काउंटिंग खत्म होती है तो हमारा अनुमान है कि 4.5 से 5 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सेवड़ा में 221 मतदान केंद्र हैं, वहाँ 20 टेबल लगा रहे हैं, तो वहाँ भी अनुमान है कि 4.5 घंटे में हो जाएगा यदि काउंटिंग सीधी चलती रहती है। तो ये प्रयास है कि अधिक टेबल्स की संख्या जहाँ पे स्थान उपलब्ध रहा है और जहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे हैं वो भी ध्यान रखा गया, ज़्यादा कैंडिडेट में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है मशीन को बार बार ये करने में, तो इसलिए टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है कई जगहों पर। मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी, आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से जैसा आयोग के निर्देश हैं, आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो
की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा, और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी जो जब खत्म होगा। एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले खत्म होगा क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है। यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है, कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे ईवीएम मशीन की गिनती हो रही है उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी एजेंटों को दिया जाएगा, उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में एक कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी, ये उन सभी को दी जाएगी। जो काउंटिंग में जो स्टाफ लगता है उनका 3 बार रैंडमाइजेशन होता है, तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पहले होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन में ये किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा की काउंटिंग करेगा, और जो थर्ड रैंडमाइजेशन होता है जो 3 तारीख की सुबह 6 बजे 5 बजे होगा, 6 बजे नहीं 5 बजे होगा, ये ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगा। तो थर्ड रैंडमाइजेशन में ये पता चलता है कि उस विधानसभा में वो व्यक्ति कौन सी टेबल पे बैठेगा। मतलब कहने का आशय यह है कि 3 तारीख की सुबह 5 बजे तक किसी को पता नहीं है कि वो किस टेबल पे काउंटिंग कर रहा है। हर टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, और इनके अतिरिक्त एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं होता। तो एक तरह से हर टेबल पे 4 लोग होते हैं और दूसरी तरफ जितने कैंडिडेट हैं उनके एजेंट होते हैं। हर विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त है, जो दूसरे प्रांतों के वरिष्ठ सीनियर अधिकारी होते हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर अपने यहाँ नियुक्त हैं। जो सर्विस वोटर होते हैं, जिनको हम ETPVS कहते हैं, आखिरी मतगणना शुरू होने के दिन, मतलब 3 तारीख को 8 बजे तक जो उनके प्राप्त होते हैं मत डाक से, उनको हम लोग काउंट करते हैं, उनको लिया जाता है। तो इसके लिए डाक घर के साथ समन्वय करके और जो पोस्टमैन वगैरह को अतिरिक्त पास जारी किए गए हैं कि देर रात तक भी जो डाक मतपत्र सर्विस वोटर के, डाक मतपत्र का मतलब कर्मचारी वाला और ये नहीं है, सिर्फ जो सेना में हमारे लोग हैं जो सर्विस वोटर्स हैं उनके मतपत्र अगर देर रात जब भी प्राप्त होते हैं 8 बजे के पहले, उनका पोस्टमैन आसानी से काउंटिंग सेंटर तक आ सके, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए डाक विभाग से समन्वय करके उनको पासे जारी किए गए हैं ताकि वो 8 बजे के पहले यदि कोई उनको प्राप्त हुआ है तो ला करके मतगणना स्थल पर दे सकें ताकि उसको काउंटिंग में हम रख सकें। मीडिया के साथियों के लिए मतदान केंद्र पे मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पे टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था रहेगी। आयोग द्वारा हम लोगों ने काफ़ी प्राधिकार पत्र जारी किए हैं, जब जब जिसकी रिक्वेस्ट आई तो हम लोगों ने जनसंपर्क से जो भी रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ वो हमने करा के आप तक पहुंचाया है। मेरे समझ से आप सभी को प्राप्त हो गया होगा। पूरे जो काउंटिंग की प्रोसेस है उसका CCTV कवरेज होगा, न सिर्फ मतगणना हॉल का बल्कि जो गलियारे हैं जिसमें से वो सामग्री आएगी स्ट्रांग रूम से, उसका भी CCTV कवरेज होगा। इसकी लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होगी, काउंटिंग प्रोसेस की लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होती। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पेटियां स्ट्रांग रूम से लेकर के आते हैं
तो उनके रास्ते अलग अलग हों, संबंधित विधानसभा का जो कक्ष है मतगणना जहाँ होनी है आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करें, उसकी कलर कोडिंग की गई है, जो जो कर्मचारी उन मतगण उन पेटियों को लेके आएंगे तो संबंधित विधानसभा को डिफरेंट कलर दिया गया है, उसी तरह से पासेज जारी किए गए एजेंट के भी, तो काउंटिंग एजेंट्स को भी एक विधानसभा का काउंटिंग एजेंट को दूसरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऑब्जर्वर जो जो मतगणना कक्ष है उसमें मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, उसमें सिर्फ जो अपवाद है वो ऑब्जर्वर हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त हैं उनके पास मोबाइल होगा, और जो आरओ एआरओ जो ईटीपीवीएस होता है जो सर्विस वोटर के जो आते हैं उसके बार कोड को स्कैन करना पड़ता है, उसकी स्कैनिंग के लिए ओटीपी आती है, तो उस ओटीपी को देखने के लिए यूज़ करने के लिए आरओ एआरओ काउंटिंग सुपरवाइजर को सिर्फ उतने पर्पस के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति होगी, उसके बाद एक बार हो जाएगा तो ऑफ कर देंगे वो। जो पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में, हालांकि इसकी जानकारी हम लोग आपको पहले दे चुके हैं, फिर भी आपको पता है कि इस बार होम वोटिंग की बात थी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, जो दिव्यांगता जिनकी 40% से ज़्यादा थी, तो इस श्रेणी में या 80 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ लिया उनकी संख्या 51,259 है, जिन दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया उनकी संख्या 12,093 है, जो सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं घोषित हुई थी जिसमें फायर था, मेडिकल था और इस तरह की एक दो और सेवाएं थी, उनके 1113 लोगों ने होम वोटिंग का लाभ लिया। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया उनकी संख्या 3,04,623 है, और जिन लोगों ने अगेन गवर्नमेंट कर्मचारी लेकिन इन्होंने ईडीसी के थ्रू मतदान किया, क्योंकि जो महिला कर्मचारी होती हैं उनकी ड्यूटी उसी विधानसभा क्षेत्र में लगती है इसलिए उनको पोस्टल बैलेट जारी की जगह पे ईडीसी जारी किए गए, उनकी संख्या 21,197। इस तरह लगभग 3,25,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। जो हमारे 230 विधानसभा क्षेत्र हैं इनके लिए जो टेबल में बता रहा था, जो टेबल की संख्या बढ़ाई गई है, जो यदि आप 230 को 14 पे देखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा टेबल लगाए गए हैं। टेबल्स की कुल संख्या जो इस मतगणना के दौरान पूरे राज्य में हों जिनका उपयोग होगा वो है 4,369। और पोस्टल की जो गणना होगी उसकी जो संख्या है वो 692। तो यदि आप 4,369 टेबल के आधार पे एवरेज राउंड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे मतदान केंद्र हैं 64,626। तो 64,626 को यदि आप 4,369 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज राउंड हमारे 14.70, मतलब 15 राउंड एवरेज होता है जो राउंड होंगे। उसी तरह से पोस्टल बैलेट जो हमें प्राप्त हुए हैं 3,25,000 के आसपास, उनमें अगर आप बाकियों को जोड़ देंगे तो वो 380 के आसपास हो जाते हैं वरिष्ठ वाले और दिव्यांग वाले, उनको भी 692 टेबल लगाई गई है। तो जो आयोग के निर्देश हैं 500, तो 500 से कम में ही यानी एक टेबल पे लगभग 500 से कम ही मतदान मतपत्रों की गिनती होगी, तो आयोग के निर्देशों का इसमें भी पालन किया गया है। मतगणना का परिणाम के लिए एक तो जो हम लोग जो हमारी वेबसाइट है उस पे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, एक results.eci.gov.in है, हम उसका विज्ञापन भी तैयार कर लिया, हम लोगों ने अभी दे देंगे जो भी आ जाएगा या ग्रुप पे डाल देंगे। तो जो वेबसाइट्स हैं, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसके माध्यम से हमें चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि मतगणना के परिणाम की एंट्री जो होगी वो आरओ के द्वारा की जाएगी, जो आरओ वहाँ पे मतगणना हॉल में है, हर मतगणना हॉल से सीधे वो एंट्री करेंगे उसमें, जो हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे हम उसको फेच करेंगे और वेबसाइट के माध्यम से हम आपसे शेयर करेंगे, और डिफरेंट जो चैनल्स हैं आप सभी का सहयोग मिलेगा, आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा। ज़िले में कई जगहों पे उन्होंने स्क्रीन्स की व्यवस्था की है, हम लोग अपने यहाँ भी कुछ स्थानों पे प्लेटफॉर्म है या अपना दफ्तर है और भी जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ वॉल के माध्यम से स्क्रीन के माध्यम से डिस्प्ले कर सकते हैं, करेंगे। आज की तारीख में सबसे जल्दी वो टीवी पे सबसे पहले दिख जाता है तो लोग वहीं देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं।
इस पे भी ध्यान रखा गया है कि मतगणना के परिणाम के उपरांत कई बार वो विजय जुलूस और कई तरह के प्रोसेसेंस निकलते हैं, तो इसके बारे में भी कलेक्टर्स वगैरह ने बैठक करके कि उसके रूट्स वगैरह का भी ध्यान रखा जाए और अनावश्यक कोई विवाद की स्थिति ना हो, क्योंकि आचार संहिता अभी भी प्रभावशील है, तो इसके बारे में ये भी एक मुद्दा दिमाग में रखा गया है और इस पर भी चर्चा पॉलिटिकल पार्टी से की गई है। काउंटिंग की पूरी जो प्रक्रिया है वो कलेक्टर्स ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, कैंडिडेट को, उनके एजेंट्स को पहले से ब्रीफ कर दिया है जिला मुख्यालय पे कि किस तरह से क्या कार्रवाई होगी, क्या परमिसेबल है, क्या नहीं है, तो उनको ब्रीफिंग दे दी गई है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। तो मोटी मोटी इतनी बात है। मैंने ये नहीं कहा कि जुलूस निकालने को रोक है, मैंने ये कहा कि ये जो मुद्दा है, जैसे आपने कहा कि कई बार इससे अप्रिय स्थिति निर्मित होती है, तो इसका भी ध्यान में जिले वाले, जिला प्रशासन इसको रखे। कलेक्टर इस पर से चर्चा जो कल हुई उसमें कहा गया कि इन बिंदुओं का भी ध्यान रखें और वो लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क करके बात करके एक सहयोगात्मक रवैये के साथ कि ये रूट अवॉइड करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, तो कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं। मैं काउंटिंग की व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए बैठा था, बट एनीवे कांग्रेस, मतलब जो आप कह रहे हैं, जो भी शिकायत प्राप्त हुई है जिस पार्टी से भी हुई है, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी से ज्यादा प्राप्त हुई है, तो जो भी शिकायत जब भी प्राप्त हुई उसका तत्काल परीक्षण कराया गया और जिसमें भी तथ्य थे उस पर कार्रवाई की गई, जहाँ नहीं थे अवगत कराया गया। मैं उदाहरण से इसको नहीं बताना चाहता, लेकिन चूंकि जैसे कल की घटना मान लीजिए कि एक प्राप्त हुई कि रीवा में ITBP हटा करके और साहब स्टेट की पुलिस लगा दी गई, रीवा SP से बात हुई, रीवा कलेक्टर से बात हुई, तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसको प्रचारित नहीं करते, लेकिन जो भी आता है उसको दिखाते जरूर हैं, जाँच करते हैं, फिर उसका उत्तर भी देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन